व्यू देखिए, एकदम ब्लू कलर का वाटर है। एकदम पाकी लाइक बार्ट। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हम है ह्यूमन और आप लोग देख रहे हैं ह्यूमैनिटी हिस्ट्री व्लॉग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटी हिस्ट्री व्लॉग। तो आज हम लोग चेरापूंजी में हैं और चेरापूंजी का कुछ नज़ारा आप लोग दिखाएंगे, और चेरापूंजी से हम लोग जाएंगे डाउकी। तो हम लोग ये होम स्टे पे था कल रात, सुबह उठ गया मेरे से जल्दी उठ गया वो, लगभग 6 बजे सुबह उठ गया। तो आज हम लोग ये सुबह मेरा पहले ही, गुड मॉर्निंग, तो सुबह मेरा पहले ही उठ गया, तो मैं अभी उठा जस्ट, ये देख सकते हैं आप लोग। तो आज हम लोग चेरापूंजी का ये सब जगह एक्सप्लोर करेंगे, देख सकते हैं आप लोग, टॉप 16 प्लेस टू विजिट इन चेरापूंजी। तो हम लोग ये जगह, कुछ जगह में जाने की कोशिश करेंगे जो पॉपुलर जगह है, जैसे नोआखाली वाटरफॉल्स, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, ये सब जगह में जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा जगह है, ये सारा जगह आज हम लोग घूमेंगे, तो आज यहीं पे रहना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत जो फेमस जगह है उस वो जगह घूम के हम लोग उसके बाद जाएंगे। आज कहाँ जाएंगे लास्ट में, कहाँ स्टे करेंगे आज हम लोग? डाउकी। डाउकी पे। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो सुबह हम लोग पियेंगे ब्लैक टी, सुबह पी रहा है ब्लैक टी, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बच्चा लोग अभी स्कूल जा रहा है, देख सकते हो चेरापूंजी का बच्चा। तो आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये जो फ्लोअर है इसको खाने के लिए यहाँ पे हनी बी आता है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे घुस के फिर दूसरे में चला जाते हैं। तो एक नया दिन और एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो सुबह आज ड्राइविंग में फर्स्ट है, बाद में मैं चलाऊंगा। तो आप लोगों को चलिए चेरापूंजी का नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे मावली लॉन्ग एशिया का क्लीनेस्ट प्लेस, और उसके बाद जाएंगे डाउकी, वहाँ पे स्टे करेंगे टेंट पे। और पूरा वीडियो देखते रहिए, आशा रखते हैं कि अच्छा लगेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो ढाबा है, ये ढाबा पे हम लोग कल खाना वाना किया, देखते देखते चलते हैं। ये जो जगह का लोग है बहुत ही फ्रेंडली है, ये लोग मतलब गेस्ट को गॉड जैसे ट्रीट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा कुछ रिस्पॉन्स, हम लोगों का पास भी थोड़ा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। और ये साफ सुथरा जगह है, ये सब जगह पे आप लोग आए, अगर आप लोग आओगे तो डस्टबिन को यूज़ कीजिए, जगह जगह पे डस्टबिन लगा हुआ है। और ऐसा है नज़ारा, ये देखिए नज़ारा, ये व्यू देखिए, ये प्राकृतिक का मनोरम दृश्य देखिए, हमारा ह्यूमैनिटी हिस्ट्री ब्लॉग के जरिए। ये टूरिस्टों का जगह है, यहाँ पे टूरिस्ट आता रहता है। चेरापूंजी है लगभग 4 किलोमीटर, पहुंच ही जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले नोआखाली फॉल्स देखने के लिए, नोआखाली फॉल्स राइट टर्न, यहाँ से 4.5 किलोमीटर में है राइट टर्न, वहाँ पे देखो, देख के चला नोआखाली फॉल्स। तो पूछेंगे तो सोलो जाना, सोलो जाना, सोलो जाना पूरा। हेलो सिस्टर, नोआखाली फॉल्स व्हिच साइड? नोआखाली फॉल्स व्हिच साइड?
दिस साइड, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, नोआखाली फॉल्स बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वो तो लेफ्ट। नोआखाली फॉल्स, थैंक यू। कुबले को, कुबले, कुबले। ये है रामकृष्ण मिशन, फॉलो द सिंबल एंड बोर्ड, राइट। आई डोंट टेल यू एवरी टाइम, क्या जन्नत जैसा जगह है ये। हेलो ब्रदर, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय। ये देख सकते हैं आप लोग, एक 360 व्यू देख लीजिए जगह का। तो अभी हम लोग पहुंच गए चेरापूंजी, नोआखाली फॉल्स, और ऐसा है नज़ारा, आप लोगों को दृश्य दिखाएंगे। देखिए ये सामने आप लोग देख सकते हो, ये फॉल्स, नोआखाली फॉल्स, और पानी जो है पूरा ब्लू कलर का है, देख सकते हो आप लोग, एकदम ब्लू कलर का वाटर है, इसमें से पानी बहता है, ऐसे करके पानी बहता है। और अभी हम लोग चेरापूंजी में है, शोरा में, आइए। दिस इज द प्लेस, दिस इज द पोर्ट ऑफ चेरापूंजी। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखाने के लिए बोलूंगा कैमरा में, दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं। ये देखिए, वन ऑफ द रेनिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, चेरापूंजी, ठीक है। तो ये जगह पे हम लोग, ये पूरा कोहरा कोहरा रहता है, ये बहुत खुश नसीब है हम लोग, इसलिए हम लोग ऐसे टाइम में थोड़ा धूप देखने को मिला। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये सीढ़ी है, देख सकते हैं आप लोग, ये सीढ़ी है, इससे नीचे व्यू पॉइंट तक जा सकते हैं। अभी फिलहाल नज़ारा कुछ इस प्रकार सा है इस जगह का। एक फॉल देखते ही हो गया है हालात ख़राब, ये देखो सुबह। जाएंगे सेवन सिस्टर फॉल्स, और कुछ एक दो जगह एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जाएंगे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज जो बोला जाता है, मावली लॉन्ग, वो जगह पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे डाउकी। तो डाउकी के रास्ते में वो विलेज पड़ेगा। तो चलिए हमारा साथ इस वर्चुअल सफर में, पहाड़ों में बने रहिए और देखते रहिए। वंदे मातरम, मिलते हैं रास्ते पे। यहाँ पे लंच कर सकते हैं आप लोग, बंगाली थाली भी मिलेगा, बंगाली फूड, डोसा, बिरयानी, पुलाव। और इस तरफ हम लोगों को जाना है मौसमी कैप। तो यहाँ पे थोड़ा इसका जो मैप है ये दिखाया गया है, इंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत लिखा गया है, यहाँ पे 30 रुपीज़ फी है। और ऐसे करके फिर इधर से हम लोग निकलेंगे, ये जगह से हम लोग घुसेंगे, ये जगह से उस तरफ से हम लोग निकलेंगे। तो चलिए, टिकट काउंटर से टिकट ले लिया, अंदर चलते हैं। तो अभी मैं हूँ मौसमी कैब पे, और ऐसा है नज़ारा, पीछे सुबह है आ रहा है, ये है, ऐसा है जगह का नज़ारा। ये एंट्रेंस है, इधर से एंट्री कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग, कुछ पूरा दिखाएंगे कैसे जाएंगे अंदर, कैसे जाएंगे, लाइट कितना है पूरा दिखाएंगे, देखते रहिए। ये पूरा स्टोन है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, मज़ा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। लिसन वन थिंग, ये सब जगह पे जब जाओगे
फुल वेरी केयरफुली क्योंकि बहुत फिसलन भी हो सकता है। मेरा एक मित्र चक्कंडू एक बार यहाँ पे आके गिर के उसका मुंह तोड़ टूट गया था, तो ये बात को मैंने शेयर किया और चक्कंडू को भी आप लोगों को एक दिन दिखाई देंगे। तो ये डेंजर जगह है, मैं तो ये देखो शुभम घर करो, ये लोग रिटर्न जा रहा है क्योंकि ये मतलब इतना हिम्मत नहीं दिखा रहा है। तो ये बहुत कंजस्टेड जगह है, बहुत छोटा सा जगह है, कंजस्टेड है, तो जा सकोगे तुम? तो पहले सुबह जाएगा। एग्जिट बहुत खतरा, देख सकते हो आप लोग, एग्जिट इतना आसान नहीं है, बहुत ही खतरा है। चलो भाई किधर से है रास्ता? ये रास्ता है भाई, थोड़ा मोटा आदमी दिक्कत है। एग्जिट है? हाँ एग्जिट है, पूरे बाहर निकल जाए। हाँ हाँ बाहर निकलेगा, अगर रिक्स नहीं लेना चाहते हो तो रिटर्न भी जा सकते हो, कोई बात नहीं। जा रहे हैं थोड़ा संभाल के क्योंकि जगह ही इतना फिसलन वाली जगह है। ये देखिए पत्थर का बीच में से ये जगह नहीं आया तो चेरापूंजी मत आना, है कि नहीं शुभम? इसका हिस्ट्री क्या है? ये हिस्ट्री तो है इसका, इसका हिस्ट्री मौसमी क्या है, बहुत पुराना ये जो मतलब पहाड़ था ना उसको काट काट के ऐसे बनाया ये मेघालय सरकार ने। अच्छा इसमें क्या किस काम में ये लोग यूज़ किया था कुछ तो? हाँ हाँ ये तो वो जो पहले के ज़माने में खदान था ना ये सब, इसमें से वो लोग जो कोयला वगैरह वो तो निकल रहा था, निकला था कुछ यहाँ के नीचे से कोयला निकला हुआ है। हाँ ऐसा ही तो होगा क्योंकि ऐसे ही रास्ता बनाया ना वो लोग पहले शुरुआत तो में तो ये सोच के नहीं बनाया कि टूरिस्ट आएगा, पहले तो प्रॉफिट के बारे में सोचा, उसके बाद बनाया, यूज़ किया उसके बाद। हाँ मैंने भी ऐसा स्टोरी सुना है, बहुत ग्रेट वुस्ट ऑसम प्लेस, वेरी नाइस इट्स रियली नाइस। गो अहेड देख सकते हो बारिश का थोड़ा बूंदे गिर रहा है। खतरनाक है रे भाई, खतरनाक। यहाँ पे पैसा गिरा हुआ है देख सकते हो आप लोग। तो देख सकते हैं हम लोग ये जगह का नजारा कुछ इस प्रकार से है। कैमन लगे छे शुभ? दारुण ओबाइस। ये देखो पानी का बूंदे है। Definitely it's like a better we'll get if we visit Bora Cave, but that kind of expedition we'll never get. Yes, it's true. एकदम एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है ये जगह पे, देख सकते हैं हम लोग ये यहाँ से पानी का बूंदे गिरता है और ये पत्थर का शेप देखिए एकदम पूरा। हे आनंद आज तो ऐसा ही है जगह का ओरिजिनल नज़ारा। तो शुभो को कैसे लगा
सुबह से ही सुनेंगे, तो बोलना नहीं चाहते। चाबी तो ये चाहिए रखी भाई के, सभी भाई के रखिए इसलिए बोले हो सब नहीं होना सब सब नहीं होना सब नहीं होना हो हो कैसा लगा बोलो 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 कुछ बोलो नहीं, जगह के बारे में इतना हम लाया तुमको। अच्छा लगा। अच्छा हाँ अच्छा। चलो आगे आगे चलते। और एक खतरा डेंजर जगह आ गया, इसको मैं पहली बार करूँगा, बाद में तो शुरू होली होली करता है ये कैमरा, फिर नहीं करता है। फिर ये देख सकते हैं ये नुकीला जो है ना, ये आपका सिर पे लग सकता है, तो थोड़ा केयरफुली। कम 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 लाइटर में से लाइटर खड़ा कर लीजिए पंटा तो देख सकते हैं यूनिक सा फील मिलेगा आप लोगों को। इट्स रियली वेरी यूनिक मौसमी कैप इन चेरापूंजी। देखिए ये पत्थर का शेप देखिए, ये सब बहुत ही प्राचीन और पुराना है ये सब। तो अभी हम लोग फाइनली एग्जिट पे, फाइनली एग्जिट मिल गया और नेचर देखने को मिल। तो फाइनली एग्जिट तो फाइनली हम लोग एग्जिट पे आ गए और अभी थोड़ा फ्रेश एयर मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो ऐसे ही था नज़ारा, इधर थोड़ा दिखाने के लिए बोलूँगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। तो अभी हम लोग सेवन सिस्टर फॉल्स देख के डायरेक्ट जाएंगे माउलिन लॉन्ग एंड डाउकी। चलो लेट्स गो। तो आगे है सेवन सिस्टर फॉल, राइट, सेवन सिस्टर फॉल। और यहाँ पे दूरबीन भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए चार्ज करेगा सब फ्री, 20 रुपया, दो एक पर्सन 10 रुपया, 2% 20, यू कैन ओके। तो ऐसे दूरबीन से आप लोग अच्छा व्यू देख सकते हो। तो सेवन सिस्टर फॉल की नज़दीक में ही ऐसे एक जगह है, यहाँ पे बैठ के आप लोग रिलैक्स कर सकते हो। और ये जगह का नज़ारा कुछ इस प्रकार सा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हाँ 10 रुपीज़, 2 wheeler 10 रुपीज़। एकदम पाकी लाइक बार्ट। तो अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट माउलिन लॉन्ग, उसके बाद जाएंगे डाउकी, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो चलिए, तो अभी हम लोग सेवन सिस्टर फॉल देख के, तो ये आगे है सेवन सिस्टर फॉल और ऐसा है प्राकृतिक नज़ारा। और आगे है बांग्लादेश, ये पहाड़ ख़त्म होके जो पूरा लैंड है, प्लेन लैंड है ना, स्लेट या। तो अभी चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं रास्ते में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे माउलिन लॉन्ग, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज, और डाउकी वहाँ पे हम लोग स्टे किया था वन नाइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।